नमस्कार, मैं हूं धनश्री। के आर न्यूज में आपका स्वागत। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में मानसून आ रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश दर्ज की गई है। हालांकि कई जगह अब भी गर्मी परेशान कर रही है। प्रदेश में सबसे गर्म दिन और रात सीधी में रही। अलग अलग स्थानों पर बने पांच वेदर सिस्टम के कारण नमी आने का सिलसिला बना हुआ है, जिससे प्रदेश के कई इलाकों में बौछारें पड़ रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट कहती है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा पोरबंदर, बड़ौदा, शिवपुरी, रीवा, चुर्क से होकर गुजर रही है। प्रदेश के चंबल संभाग के जिले तथा ग्वालियर, दतिया, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, उज्जैन, आगर जिलों को छोड़कर प्रदेश के शेष जिलों में सक्रिय है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के भोपाल, इंदौर व उज्जैन संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर जबलपुर, सागर, शहडोल, ग्वालियर, चंबल एवं नर्मदापुरम संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई है। नलखेड़ा में 6, कुंभराज में 5, खंडवा खरगोन में 4, पंधाना, मुलताई, परसिया, जुनारदेव में 3, हरई, बनीबारी, उदयनगर, उज्जैन, मनावर, भसंगी में 2 सेंटीमीटर तक पानी गिरा है। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।